जितना हक तुम लड़कों को होता है फैसला लेने का, उतना ही हक हम लड़कियों को भी होता है। पर हर चॉइस के पीछे एक रीजन होता है निशा। मेरी एक प्रोफाइल पिक पे 100 लाइक्स आ जाते हैं, लाइन लगी हुई है बाहर लड़कियों की शादी करने के लिए, सड़क पर लोग रोक रोक के पूछते आर यू मॉडल, आर यू रिच, आर यू एजुकेटेड। अपनी दुनिया से बाहर निकलो रितेश, मैं तुम्हें रिजेक्ट तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूं। देखो रितेश, तुम्हें आराम से कोई भी लड़की मिल जाएगी जो तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूं। I'm not the one for you. Please, please leave me alone. निशा, तुम मेरे बारे में एक बात नहीं जानती कि मुझे रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हार नहीं मानने वाला हूं निशा, मैं तुमसे ही शादी करके रहूंगा एंड दैट्स अ चैलेंज। क्या कहा तुमने? 5 days. 5 दिन में मेरे मॉम डैड यूएस से इंडिया आने वाले हैं और मैं यहां उन्हें अपना हरा हुआ मुंह दिखाने नहीं ला रहा हूं। सो इन 5 दिनों में तुम्हें रितेश से प्यार होकर रहेगा। तुमने MBA किया? With gold medal. तो इतना भी नहीं सीखा कि जिस डील में नुकसान होता हुआ दिखाई दे, उस डील पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा निशा, इस बार मानूंगा। अगर ये चैलेंज है तो मैं भी तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। 5 दिन, 5 दिन के अंदर तुम खुद कहोगे ये शादी तो क्या, मुझे यहां रहना ही नहीं। All the best.
फिर वही सपना आया था। डर गई? नहीं तो, बस नींद नहीं आ रही थी। सपना है बेटा, बस सपना है, सपने से क्यों डरती हो? लेकिन हमेशा मेरे साथ ही क्यों? पापा, मुझे शादी नहीं करनी। जानता हूँ बेटा। तो प्लीज आप दादाजी को समझाइए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी बस। लेकिन मुझे आपको, मम्मी को और इस घर को छोड़कर। ये हाथ है ना, ये जादू वाले हाथ हैं। वो देख अभी एक मिनट में कैसे ये हाथ तेरी सारी टेंशन दूर कर देंगे, देखना। चल हाथ बंद कर। कैसे तेरी सारी टेंशन आंसू बन के बाहर निकल रही है। हाथ में कुछ चला गया था। ये आंसू कभी खत्म क्यों नहीं होते पापा? होंगे बेटा, खत्म होंगे। एक दिन ना तेरे आंखों के आंसू तेरे चेहरे की स्माइल बन जाएंगे और मेरा हैप्पी वाला सॉन्ग हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी हो जाएगा। इन आंसुओं में तो नमक कम है, प्लीज एक हैप्पी वाला आंसू दो, प्लीज 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 प्लीज। देखा हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है तू। और आप जब मुझे ऐसे प्यार करते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। मतलब वैसे अच्छा नहीं लगता? पापा, जब दादाजी आपको डांटते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सॉरी बेटा, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आप तो हमेशा से ही बहुत अच्छे। देख निशु, मैं जानता हूं तुझे रितेश बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे मर्जी के। पापा, बात रितेश की नहीं है। पापा प्लीज, रितेश एक अच्छा लड़का नहीं है, बस अपने चाम से। बात तो पूरी करने दे, बीच में बोलने लगती है। अब जब भी कुछ बोलना हो हाथ ऊपर करना, ठीक है? ओके। देख निशु, इस मामले में ना मैं भी तेरी ही टीम में हूं। मैं भी नहीं चाहता कि तेरी शादी अभी हो, पर क्या करें, अफसोस तेरे बर्थ सर्टिफिकेट में बाप के नाम की जगह मेरा नाम लिखा है। और सारी प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। बेटा, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं। हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो खुशी तुझे शादी करने के बाद ही मिले। और निशु, हर लड़की को शादी के पहले डर लगता ही लगता है। बोल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं हर लड़की नहीं हूं तो? हर बात का जवाब नहीं होता, पर तू मेरे गोद में सो तो सकती है। लेट जा, मैं एक प्यारा सा गाना गाता हूं और तुझे नींद आ जाएगी।
अरे भाई, तुम दोनों का मंत्र जाप समाप्त हो गया हो तो चाय पी लो, ठंडी हो रही। तो बहू, मैं ये कह रहा था कि निशा के रिश्ते को लेकर तुम्हें कोई संदेह है क्या? बाबूजी, मैं क्या बोलूं? वो रमेश और निशु से पूछ के। अरे बेटा, उसकी क्या है, एक बात समझ लो बेटा कि अगर निशा रमेश की बेटी है तो तुम्हारी भी बेटी है। बेटा तू घबरा मत, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और मारी निशु ने तो आज तक कभी किसी का बुरा ना किया। तू जी खोल के बोल, तने रितेश पसंद है? लड़का तो अच्छा है और बहुत पेशेंस भी है। निशु का मूड इतना खराब था पर फिर भी उसे मनाने चला गया अकेला। हाँ, ये बात तो है बेटा, निशा के साथ तो कोई धीरज वाला लड़का ही चल पाएगा। पर बाबूजी, निशु अभी बहुत छोटी है, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी ये सब। और रमेश तो शुरू से ही ये शादी नहीं चाहते। देखो बेटा, निशा छोटी है ये हम सब मानते हैं, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो, बच्चों के बड़े होने तक उनकी जिम्मेदारी घर के बड़े बुजुर्ग ही संभालते हैं, वरना निशु की बात तो तुम जानती हो, उसकी जिंदगी तो भाई बहनों पर खत्म हो जाती है। एक बार रमेश और निशु से पूछ लेते तो। बेटा, अब रमेश को समझाने का क्या फायदा, वो तो समझता है कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की और अब उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। पर ये जान के खुशी हुई बेटा कि इस रिश्ते से तुम खुश हो, तो अब निशा को मनाने का जिम्मा तुम्हारा। घबरा क्यों रही हो बेटा? लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, यही मंत्र है तुम्हारा है? अब तुम्हारी रजामंदी तो मिल गई तो इस रिश्ते में अब कोई देर नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा। मैं चलूं फिर? ठीक है। ऐसी क्यों देख रही हो मुझे? ना देख ना रही, सोच रही हूं। आपने इस रिश्ते की बात को बहुत जी को लगा लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि निशु की भलाई तो एक तरफ है ही, पर कहीं ना कहीं आप निशु और रमेश ने ये जताना चाहते हो कि आप उनकी जिंदगी के फैसले उनसे बेहतर ले सकते हो। सरोज, ये ऊल जलूल सलाह तुम्हें कौन देता है भाई? ना, कोई ना दे रहा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ना थारी ना मारी, जो कुछ होता है वो सब उसके हाथ में, जो रितेश मारी निशु की किस्मत में लिखा है तो वो आके रहेगा, नहीं तो आप कितना भी जोर लगा लो होगा नहीं कुछ। लेकिन सरोज, तुमने ये नहीं बताया कि तुम क्या चाहती हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मारी निशु हर हाल में खुश रहे, बस। पापा, अब देख के नहीं खिला सकते। निशु दी, निशु दी। अब
हर बात के लिए निशु को बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कल रात को इतने मुश्किल से सोई है वो, और तू इतना बड़ा हो गया अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकता भाई? खा। क्या हुआ बंटी, तू अब तक स्कूल नहीं गया? आज का मौसम कैसा है बेटा? गुनगुनी धूप आ रही है पापा। ये है ना बात, मैं कह रहा था ना रात के बाद सुनहरी सुबह आती ही आती है। आप लोग मौसम का हाल क्यों बता रहे हो? तुझे क्या प्रॉब्लम? तू ये खा, पहले अपने काम खुद करना सीख, उसके बाद क्वेश्चन करना। अबे हंस क्या रहा है, भागना है ऐसे? पहला दिन है काम पे जा रहा है, मुस्कुरा के तो जा भाई, मन ला के काम करियो। जी पापा। अरे यार सुकू, तेरा तो कल बर्थडे आ रहा है। चल बता क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में। आपको तो अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए पापा। अरे सुकू नाश्ता तो करके जा। पापा आप टेंशन मत लीजिए, सुकू उमेश भैया का नीचे वेट कर रहा होगा, मैं सैंडविच बना के ले जाती। सुकू ने नाश्ता कर लिया? पेपर पास करना जरा। रमेश कुछ बात हुई क्या? पेपर पास करो, क्या हुआ? क्या करूं लक्ष्मी, को समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? एक बात दिमाग में घूम रही है, पता नहीं बोलूं या चुप रहूं। क्या? लक्ष्मी तुम्हें नहीं लगता हमारे बच्चे इस घर के बाहर ज्यादा खुश रहेंगे? ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो। अगर हम इस घर को छोड़ दें तो? क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।